हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो बहुत इजी तरीका से होममेड पनीर है, उसका पराठा बनाया है मैंने। तो किस तरीका से बनाना है तो पहले देख लीजिए। पहले मैंने होममेड पनीर कैसे बनाया है, ये दूध मेरा फट गया था तो इसको मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको और फाड़ दिया है, और इसका पूरा पल्प निकाल लेना है छान के, और ये जो पानी है उसको फेंकेगा नहीं, दाल में या फिर आटा गूंदने में यूज़ कर लीजिएगा। तो इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इसको बांध के रख दिया था। आप चाहे तो 2-4 घंटे के लिए बांध दीजिए, निकल जाता है, या फिर रात भर के लिए, तो ये पानी को फेंकिएगा नहीं, यूज़ कर लीजिएगा। और इसी का मैंने पनीर बना के इसी का पराठा बनाया था। आप इसका तो रेसिपी मैंने बहुत सारा मिठाई भी बनाने में यूज़ किया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से धो के इसको इस तरह से दबा के भारी बर्तन रख के इसको दबा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और पनीर का शेप ले लें। और बस ये होममेड पनीर बहुत ही ईजी तरीका से और बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है। तो मार्केट वाला से ज़्यादा ये इजी है। अगर आपको घर में बनाना है तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इस तरह से बन के ये तैयार हो जाएगा। बस इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका पनीर का भुर्जी बना लीजिए, या फिर सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर आप इस मेरी तरह आज पराठा बना लीजिए। तो बनाना कैसे है, तो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, और आटा गूंदने के बाद ये देखिए इसका लोई एक काट लीजिए, जैसा आप रोटी बनाते हैं। बस इसी तरह से इसमें अच्छी तरह से इसको बेल लीजिए, शेप छोटा बड़ा जैसे भी आप जैसे रखना है। तो मैंने थोड़ा सा आटा इसमें लगाने के बाद इसमें पनीर को अच्छी तरह से इसे हाथ से क्रम्पल करके डालना है। आप थोड़ा ज़्यादा जैसे आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा में करके इस तरह से डाला है, और कलौंजी डाल लीजिए, साथ में हरा धनिया डाला है मैंने, धनिया और पुदीना मिक्स है। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें रेड चिल्ली पाउडर है, आपको तीखा पसंद है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। थोड़ा सा चाट मसाला और गरम मसाला मिक्स है मेरा, तो आपको अगर पसंद है तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। साधारण धनिया से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करना है हाथ से, इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं आप चाहे तो रोटी का शेप में जैसे भर के बनाते वैसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे काटिएगा और उसको ऐसे खोल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें आटा लगा के इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा शेप ले लेता है। तो इस तरह से बना के आप देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। और उसके बाद कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों और फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बन गया, और ये देखिए जैसे लच्छादार पराठा होता है ना उसी तरह का ये शेप ले लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, आप इसमें बटर लगाइए, घी लगाइए, तेल लगाइए, जैसे भी आप सेकिएगा। थोड़ा कुरकुरा करके मैंने सेका था इसको। तो इस तरह से बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करना भूल जाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा आप कौन जगह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और कौन सा वीडियो और देखना चाहते हैं, आपको कौन सा वीडियो मैं बना के दिखाऊं। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है, गर्मा गर्म इसको सर्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।